नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं जबरदस्त हरियाणा। देखिए, बहादुरगढ़ का एक और गांव जिसका नाम है आर्यनगर, यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर चुनाव का रुख किस तरफ मुड़ रहा है, कौन इस बार बाजी मार रहा है, क्या एक बार फिर राजेंद्र जून की वापसी होगी या कोई नया चेहरा, कोई नया नेता, कोई नया विधायक इस शहर को मिलने वाला है। ये बात करते हैं। क्या नाम है बाबूजी? राजकुमार जी। राजकुमार जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 52 साल। 52 साल। राजकुमार जी, क्या लग रहा है अनुभव के हिसाब से भी और काम के हिसाब से भी कि कौन आएगा? कांग्रेस जी। कांग्रेस, राजेंद्र जून? नहीं, अपने मान लो पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हुआ है। नहीं, हरियाणा नहीं, मैं बहादुरगढ़ की बात कर रही हूँ। जर में है जी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस का दबदबा ज्यादा है, क्यों लग रहा है राजकुमार जी? हमारे वहाँ तो बुकल एक नंबर है जी, गीता बुकल। अच्छा। हाँ जी, मतलब आपके उधर कांग्रेस बढ़िया काम करा रही है। बढ़िया जी, बढ़िया। लेकिन आपके बगल में देख लो, राजेंद्र जून की तो थू कर रहे हैं लोग। नहीं नहीं, आते नहीं है वो, बस इसी कारण थू थू है। आते नहीं है? हाँ बस, हाँ दिल्ली रहते हैं, बस यही मेन कारण। कांग्रेस वाले कहते नहीं कुछ? नहीं कुछ नहीं, यहाँ तो बस दो में टक्कर है जी, शीला में और इसमें राजेश जून में। शीला और राजेश जून में? हाँ, अपने राजेंद्र जून नहीं है टक्कर में? नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। लेकिन देखिए, अभी मैं देख रही थी कि उनकी रैली थी कानुंदा में, उनके साथ आए थे भूपेंद्र भी आए थे, भूपेंद्र हुड्डा, फिर उनके बेटे भी आए थे। कोई भी आओ, मान लो इसमें वो कुछ धोखे वाली बात एक तो वो होगी, टिकट वाली बात। हाँ, दूसरी जो नफे सिंह राठी की है वो सहानुभूति वाली है जी, इसी कारण दोनों में टक्कर है। तो मतलब एक बड़ा फैक्टर ये है राजकुमार जी कि नफे सिंह जी की धर्मपत्नी को टिकट मिलेगी सिंपति वोट के कारण, और उन्हें वोट भी सिंपति के नाम पे, सहानुभूति के नाम पे। और आप ये कह रहे हो कि राजेंद्र की हार होगी विश्वासघात के, विश्वासघात के कारण। लेकिन जब हम राजेंद्र जी के समर्थकों से बात करते हैं तो वो साफ मुकर जाते हैं कि वादा तो हुड्डा ने किया था। नहीं नहीं, वो हुड्डा वाला वादा नहीं था, पहले पब्लिक के सामने किया है उसने, पंचायत के अंदर। हाँ जी, पंचायत में। और क्या हो, और उस पूरी भादरेड़ की जनता को पता है इस बात का, और उसी से वो है, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। हाँ, उसका भुगतान उसने भुगतना पड़ेगा। अच्छा राजकुमार जी, देखिए जैसे आजकल एक प्रचलन चला है पैसे बांटने का, कि पैसे बुलाओ और लोग अपनी तरफ कर लो, आपको लगता है ये प्रचलन क्या इधर की पार्टियां जिनके बीच टक्कर चल रही है वो भी निभा रहे हैं? नहीं, ऐसा दोनों पार्टियों में से हमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, कोई पैसे बांट रहा है ना हमारे पास, कोई भी यहाँ पहुँचा है। ठीक है, अगर कोई मिलता है तो उसके बारे में मान लो आजू बाजू थोड़ी बहुत खबर तो होती है, ऐसा कुछ नहीं महसूस हो रहा है। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पे आप किसको समर्थन दे रहे हैं राजकुमार जी? व्यक्तिगत तौर पे राजेश जून के साथ जाऊंगा। राजेश जून के साथ है, लेकिन आप जहाँ रहते हैं वहाँ कांग्रेस है? हाँ, वहाँ कांग्रेस है। तो वहाँ के लिए आप चाहते हैं कि राजेश जून जैसा कोई है या कांग्रेस ही? नहीं, वहाँ बुकल से अच्छा कोई नहीं है। आपको क्या लग रहा है, आपका आशीर्वाद किसके साथ है? यो भाई बता देगा सारी जाना है। नहीं, वो भाई तो बता देंगे, उन्होंने तो बता दी। आपको क्या लग रहा है, आप किसको आशीर्वाद दे रहे हो? कांग्रेस को। कांग्रेस को, राजेंद्र जून को? लेकिन कांग्रेस से तो बड़ी शिकायतें हैं भाई, गलत कहते हैं। कितनी बार आए हैं राजेंद्र जून यहाँ बहादुरगढ़ में? 3 बार। कब कब? लगातार 3। वो तो चुनाव वाली है ना, 3 योजना। 5 साल में कितनी बार आए हैं? बड़ी आदमी ना आगरा, बड़ी आदमी ना आगरा, फिर आ हुआ है। तो फिर राहुल गांधी आ जाए थे, वो बड़ी आदमी नहीं है ना? वो ठीक है, वो आप भी जगह। तो बाबूजी कह रहे हैं कि जो बढ़िया आदमी होते हैं वो नहीं आते हैं, वो आते नहीं है। आपको क्या लग रहा है बाबूजी, राजेंद्र जून की सरकार आ रही है फिर से? नहीं आ रही है जी। नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। ओ, आपके मित्र ने बोला अभी राजेंद्र जून आ रहे हैं। नहीं, ये तो मुंह इसका देखा था कि बोल रहा था कि आ रही है, है? उन्होंने कहा आ रही है राजेंद्र जून। लखवा जी, क्या कह रहे हो? गूगल लखवा लग रहा है, लखवा लग रहा है, कैंडिडेट की तरह हो रही है। ओ, बड़ा तंच कस दिया राजकुमार जी ने कि कैंडिडेट की तरह हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल बाबू जी, आपको क्या लग रहा है, राजेंद्र जून क्या आ रहे हैं सरकार बन रही है? हाँ, राजेंद्र जून की बनेगी, राजेंद्र जून की, कांग्रेस वाले। हाँ जी, क्यों लग रहा है उनकी सरकार बन जाएगी? बहुत बड़ी आदमी है,
अच्छा। बाकी बड़े आदमी नहीं है? बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी तो है। बहादुरगढ़ के लिए कौन से पांच काम किए राजेंद्र जून ने? सारे काम कर रखे हैं। रोड का पांच काम के ना दो बाबू जी, हमारी ऑडियंस को बता दो पांच काम। गली को बनवा रखी, एक भी गड्ढा नहीं बहादुरगढ़ में। अड्डा बहुत बढ़िया बनवा रखे हो रहा है। अड्डा नहीं गड्ढा, गड्ढा गड्ढे नो तो चलते रहे, तो खड्डे उड्डे चलते रहे टूट। अरे हमें इतने हिचको वाले लग गए बाबू जी, खड़ा भी हो रहा है भी है। नहीं ये गड्ढा नहीं, राह चलते गड्ढा, राह चलते गड्ढा। देखो जी ऐसा है, हाँ जी, जहाँ पानी भर जाता है हाँ। वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो पानी कैसे भर रहा है? पानी भर जाए, बारिश है तो भगवान भरवा। तो निकास क्यों नहीं हो रहा उसका? पानी क्यों नहीं निकल पा रहा? निकास हो रहा है, कहीं देख लो, कहीं खड़े हो गए, कहीं खड़े होके देख ले। आप कह रहे हो बहादुरगढ़ बढ़िया है? बहुत बढ़िया है जी। अच्छा राजेंद्र जून पाँच साल में कितनी बार बहादुरगढ़ में आए? वो आमता रहा है, साल छह महीने में साल भर में आता रहा। और ये जो धोखेबाजी वाला, उनके ऊपर कलंक लग गया वो कि राजेश जून को टिकट नहीं दी। हाँ बस सही सही कलंक लगा है। बनागा तो ये यही बनेगा, जून ना बनागा। लेकिन आप काम तो गिना ही नहीं पा रहे, क्या काम किया है? काम नोब गिने जाए, काम हमारी गली बन रही है बढ़िया। आपकी गली बन रही है? बहुत बढ़िया बन रही है। बहादुरगढ़ में तो नहीं हो रहा लेकिन कुछ? हाँ बहादुरगढ़ बन रहा। 20 साल वो 70 साल कांग्रेस राज कर गई थी पहले, पहले कदा वो पोलरा खाओ और खाने दो वाला राज कर गई थी हैं? मान रहे हो मतलब आप कि कांग्रेस कहती थी खाओ और खाने दो? एक बार कैमरे की तरफ देख के बोलो कि आप कह रहे हो कांग्रेस खाओ और खाने दो। क्या नाम है आपका बाबू जी? रमेश। रमेश, रमेश जी कह रहे हैं कांग्रेस का जो है ये नियम था खाओ और खाने, खाने दो। तो राजेंद्र जून का भी फिर यही हिसाब है, वो कहता है खाओ और खाओ खाने दो। तो फिर आपको चलेगा कि भाई खाओ और खाने दो? हम तो राजेंद्र जून की देंगे। ऐसा क्या डाल दिया भैया जेब में राजेंद्र जून ने? पीसा पूसा धुन दे दिया फिर हम मौज मौज हो रही है उसकी। मौज मौज हो रही है उसके। अच्छा ये बताओ राजेंद्र जून की किसी से टक्कर चल रही है? नहीं। हाँ तो आगी किससे? नफे सिंह की धर्मपत्नी शीला, उनसे चल रही है? हाँ दोनों टक्कर है। आज आए थे चौटाला साहब, अबे चौटाला रैली में कह रहे थे महीने की पहली तारीख को बाबू जी मैं सबके घरों में सिलेंडर फ्री दे दूंगा। कैसे आएंगे राजेंद्र जून? हमने ना चाहिए ना फ्री। क्या चाहिए फिर आपको? हमने नेता चाहिए बढ़िया। कौन है बढ़िया नेता? राजेंद्र जून। राजेंद्र जून है बाबू जी? राजेंद्र जून है कसूता नेता, बढ़िया है बढ़िया। देखो जी सबकी नजरों में अलग अलग बात होती है। आपकी नजर में कौन बढ़िया है? हमारी नजर में भाजपा का दिनेश कौशिक आएगा, वो बढ़िया है। बढ़िया है। उनकी भी अपने भाई से अभी चल रही थी गड़बड़ी, तो ये तो मनमुटाव थोड़े बहुत होते रहते हैं। मनमुटाव जनता से हो गया बीजेपी का? फिर जनता से तो नहीं, कोई बात ऐसी हुई कि आपस में भाईचारा तो देखो आपस में मन हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सही है, भाजपा आएगी। अच्छा मुझे ये बताओ भाजपा से तो वैसे ही लोग अभी देखो किसान कितने दुखी थे, जनता कह रही है कोई दुखी नहीं था किसान। कौन दुखी था? कोई दुखी नहीं था। अभी शीला जी की रैली हुई आज, उसमें अभय चौटाला जी आए थे, उन्होंने मंच पे चढ़ के बोला कि भैया बीजेपी से किसान इतना दुखी है मत पूछो। हाँ ये तो देखो हर पॉलिटिक्स आदमी है ऐसे कहते हैं कि भाई कोई किसी से दुखी है कोई किसी। पहलवान नहीं दुखी है बीजेपी से? कौन पहलवान? पहलवान विनेश फोगाट। बताओ कांग्रेस ज्वाइन कर ली उन्होंने भाजपा के चक्कर में, फिर क्या बात होगी? तो उन्होंने बुला लिया वो चली गई, ये तो कोई बात नहीं पॉलिटिक्स है नहीं, ये तो कोई बात नहीं। आएंगे दिनेश कौशिक? आएंगे दिनेश कौशिक आएंगे। सही बताओ, सही है, दिल पे हाथ रख के बताओ बाबू जी। हाथ रख के कहते हैं जी। तो देखिए ये मेरे साथ आर्य नगर की जनता थी, इनसे मैं बात कर रही थी और यहाँ जो रिस्पांस अगर मैं कहूँ यहाँ पर मुझे मिला जुला रिस्पांस मिला। कुछ कह रहे हैं कि राजेंद्र जून आएंगे, कुछ कह रहे हैं कि भैया बीजेपी का दबदबा है और जनता जो है अलग अलग अपनी राय देती है। आपकी क्या राय है? क्या इस बार भी राजेंद्र जून जो कि कांग्रेस से जिनको टिकट मिली है वो आ सकते हैं दोबारा, या शीला जो कि नफे सिंह जी की स्वर्गीय नफे सिंह जी की धर्मपत्नी है वो आ सकती हैं, या निर्दलीय से जो इस बार लड़ रहे हैं राजेश जून वो आ सकते हैं? आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।